भारत में सैलानियों के लिए हिल स्टेशन हमेशा आकर्षण का केंद्र बना रहता है। गर्मी हो या सर्दी, पहाड़ी जगहों पर घूमने की बात ही अलग है। यहाँ का प्राकृतिक नजारा, चिड़ियों का साफ शोर, नदियों की आवाज, आसपास की दुकानों से चाय मैगी की खुशबू एक अलग ही अनुभव देती है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भारत में एक ऐसा हिल स्टेशन भी है जहाँ ये सब दिन में मिलता है और रात में यहाँ आत्माओं का वास होता है, तब आप क्या करेंगे? ऐसी पहाड़ी जगह पर जाएंगे? शायद जिनमें जिगरा होगा वो जरूर ऐसी जगहों पर आना पसंद करेंगे। लेकिन कमजोर दिल वाले लोग ऐसे स्थानों से जरूर बचेंगे। दार्जिलिंग जिले में कुर्सियोंग में डॉव हिल नाम का एक हिल स्टेशन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भारत का सबसे भूतिया हिल स्टेशन है। चलिए आपको इस पहाड़ी जगह के बारे में बताते हैं। दार्जिलिंग से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर भारत का सबसे भूतिया हिल स्टेशन कुर्सियोंग का डॉव हिल स्थित है, जहां असामान्य घटनाओं और कहानियों की कोई कमी नहीं है। डॉव हिल अपने प्राकृतिक नजारों और जानवरों से घिरा हुआ है। दिन हो या रात, यहां असामान्य गतिविधियां कभी नहीं रुकती। जितनी खूबसूरत ये जगह देखने में है, उतनी डरावनी यहाँ की प्रेतवाधित कहानियाँ हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ ही इस जगह पर आने वाले सैलानी भी सिर कटे बच्चे की कहानी से डरते हैं। डॉव हिल से फॉरेस्ट ऑफिस की ओर जाने वाली सड़क पर कई लोगों ने एक सिर कटे हुए बच्चे को देखा है। लोगों का कहना है कि ये बिना सिर वाला बच्चा जैसी दिखता है, वैसी ये कहीं गायब हो जाता है। रोमांच प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने कई बार डॉव हिल्स के जंगलों में जाकर यहाँ की गुत्थी को सुझाने की कोशिश की है, लेकिन नतीजे हमेशा भयानक ही निकले हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे ही आप जंगल की ओर जाएंगे तो आपको महसूस होगा जैसे आपको कोई देख रहा है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा है कि एक बार आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई लाल आंखों वाला आपको देख रहा है और अचानक घने जंगलों में कहीं गायब हो जाता है। यही नहीं, जंगलों में एक औरत का भूत भी भटकते हुए दिखती है। हालांकि डॉव हिल की आबादी कम है, फिर भी यहां आपको 100 साल पुराना विक्टोरिया बॉयज हाई स्कूल दिख जाएगा। हिल की अन्य जगहों की तरह इस स्कूल में भी भूतों का डेरा है, जिस वजह से ये जगह भी अपनी भूतिया किस्सों के लिए मशहूर है। कहानियों के मुताबिक इस जगह पर कई मौतें हुई है जिनका सही राज अभी तक पता नहीं चल पाया है। सर्दियों के दिनों में तो स्थानीय लोगों ने परिसर में बच्चों के भागने की आवाजें भी सुनी हैं। ये स्कूल सर्दियों के दिनों में 4 महीनों के लिए बंद रहता है।